अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चतुर्भुज कौन सा समास है? चतुर्भुज कौन सा समास है? तो यहाँ ऑप्शन के आधार पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुव्रीही समास है। चतुर्भुज कौन सा समास है? बहुव्रीही। लेकिन एक्चुअल में जो है चतुर्भुज वह द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। चतुर्भुज जो है वो द्विगु समास है, लेकिन ऑप्शन में आपका द्विगु नहीं था, इसलिए आपका कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीही। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुव्रीही को समासों का राजा भी कहा जाता है। बहुव्रीही समास को समासों का राजा भी कहा जाता है। और जब कोई ऑप्शन आपको समझ में नहीं आए और ऑप्शन में बहुव्रीही रहे, तो आप बहुव्रीही को ही टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेम मार्गी। कौन से कवि हैं? प्रेम मार्गी कवि हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कायर का विलोम शब्द है। कायर का विलोम शब्द है, तो हम लोग जानते हैं कायर का विलोम शब्द क्या हो जाता है। कायर का विलोम शब्द जो होगा वह एक्चुअल में बहादुर होगा, शक्तिशाली नहीं होगा। शक्तिशाली का क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। और कायर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहादुर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, चिरीमार कौन सा समास है? चिरीमार कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अगर आपको तत्पुरुष के अंदर भेद बताए तो आपका क्या हो जाएगा? आगे की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुंदर का पर्यायवाची शब्द है। सुंदर का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आर्ट का सी, यानी कि मनोहर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मनोहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजेंद्र का संधि विच्छेद है। राजेंद्र का संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज प्लस इंद्र। राज प्लस इंद्र, यानी कि नौ का ऑप्शन नंबर को कितना हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। राज प्लस इंद्र, यानी कि ए जो है वो ई में चेंज हो जाता है बाद में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है। जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है, तो उसे वाचाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वाचाल। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आजन्म कौन सा समास है? आजन्म कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास है आजन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है? सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विष्णी जो है वो सिपाही की माँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तिरछी के रचनाकार है। तिरछी के रचनाकार है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उदय प्रकाश। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, चक्र पानी कौन सा समास है? चक्र पानी कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तत्पुरुष समास है। चक्र पानी कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये प्रतिनिधि शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है, यानी कि इसमें प्रतिनिधि में निधि में कौन सा आगे जुड़ गया है? उपसर्ग मतलब जो आगे जुड़ जाता है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है जो दोस्तों ए नंबर, यानी कि प्रति जुटा है, इसलिए इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प्रति हो जाएगा। और जो लास्ट में जुटता है बाद में अंत में, तो उसको प्रत्यय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वंद्व समास है। हाथ पैर कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अगर दोस्तों आपको कहीं पे भी अगर योजक चिन्ह मिल जाए, योजक चिन्ह यानी हाथ और पैर के बीच में जो ये योजक चिन्ह है, अगर ये मिल जाए तो वो द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है बाबू? द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ है। दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूखमरी की स्थिति, यानी कि दाने दाने मुहावरे को तरसना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? भूखमरी की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैला आंचल। मैला आंचल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द है, यानी कि आस्तिक का विपरीत जो उल्टा अर्थ देने वाला शब्द है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नास्तिक। आस्तिक का नास्तिक, आस्तिक मतलब जो भगवान पर विश्वास रखे, और नास्तिक मतलब जो भगवान पर विश्वास न रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रघुवीर शाह ने किस विषय से एमए किया? रघुवीर शाह ने किस विषय से एमए किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंग्रेजी से किया था। रघुवीर शाह ने अंग्रेजी से क्या किया था? एमए किया था।
किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है? किस कवि का मूल नाम यानी असल नाम वैद्यनाथ मिश्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी के नागार्जुन। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यानी के नागार्जुन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है, छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है। तो दोस्तों ये हम सभी जानते हैं जो छात्रावास कहलाता है, क्या कहलाता है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि छात्रावास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं नाड़ी स्वप्न है, नाड़ी सुगंध है, नाड़ी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा, जो नाड़ी स्वप्न है, नाड़ी सुगंध है, नाड़ी पुरुष की वहाँ पर झूलती हुई जूही की माला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तपोबल का संधि विच्छेद है, तपोबल का संधि विच्छेद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि तप जोड़ बल। इसका क्या हो जाएगा? तपोबल का संधि विच्छेद, तप जोड़ बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपवन में कौन सा उपसर्ग है, उपवन में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि उपसर्ग किसको बोलते हैं दोस्तों? इससे पहले भी बता चुके हैं, जो आगे जुड़ जाता है यानी कि उप जुड़ा हुआ है वन में, तो उप क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रेमचंद की रचना है, प्रेमचंद की रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि पूस की रात। पूस की रात जो है ये किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि झूठ बोलकर ठगना, झूठ बोलकर ठगना। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है आ जाए, तो इसको आप भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं, तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि अलगाववादी। कैसे कवि माने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अलगाववादी कवि माने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओ सदानीरा के लेखक हैं, ओ सदानीरा के लेखक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैनेजर पांडे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैनेजर पांडे जो है वो ओ सदानीरा के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओ सदानीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है, ओ सदानीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये निबंध है। क्या है दोस्तों? ये निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जहाँ पहुँचना कठिन है कहलाता है, जहाँ पहुँचना कठिन हो, मुश्किल हो, वो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि दुर्गम। क्या कहलाता है? दुर्गम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाशित में कौन सा पद्य है, प्रकाशित में कौन सा पद्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि इत, पद्य जो लास्ट में जुड़ गया है। तो प्रकाश में इत जुड़ गया है, इसलिए क्या हो गया? प्रकाशित। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि इत क्या हो जाएगा? इसमें पद्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाक काटना मुहावरे का अर्थ है, नाक काटना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि अपमानित होना। कौन सा हो जाएगा? अपमानित होना। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो बातचीत निबंध के निबंधकार है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सज्जन का संधि विच्छेद है, सज्जन का संधि विच्छेद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि सज प्लस जन, सज में हेलंत लग जाएगा प्लस जन, ये क्या हो जाएगा? सज्जन का संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे यश प्राप्त किया है, जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में कहा जाता है, जिसने यश प्राप्त किया उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है? यशस्वी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? यशस्वी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था, पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि ठंड के भय से। किसके भय से? ठंड के भय से अपने गोद से माँ ने लाल को नहीं उतारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बड़प्पन में कौन सा पढ़ते हैं, बड़प्पन में कौन सा पढ़ते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि अपन। कौन सा हो जाएगा? अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सदाचार का संधि विच्छेद है, सदाचार का संधि विच्छेद है, सदाचार का संधि विच्छेद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि सत जोड़ आचार, सत जोड़ आचार बराबर क्या हो जाएगा? सदाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेड़ी की नहीं है, कौन सी कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेड़ी की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि उसने कहा था, उसने कहा था ये जो कहानी है वो चंद्रशेखर शर्मा गुलेड़ी की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
आगे है नीलांबर कौन सा समास है, नीलांबर कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन से कवि निरक्षर थे, निम्नांकित में से कौन से कवि निरक्षर थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कबीरदास जो थे वो निरक्षर थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महेश का संधि विच्छेद है, महेश का संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाजोड़ ईश बराबर क्या हो जाता है, महेश हो जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिंग हाँक। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? डिंग हाँकना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृष्ण को। किसको माना है? कृष्ण को अपना प्रियतम माना है। किसको माना है दोस्तों? कृष्ण को मीरा ने अपना प्रियतम माना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुत्र वियोग। कौन सा हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पुत्र वियोग, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन के लिए आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह स्थान जहाँ सेना रहती है कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छावनी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? छावनी कहलाता है। तो जहाँ सेना रहती है उसको क्या बोला जाता है? छावनी बोला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कमल नयन कौन सा समास है, कमल नयन कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अव्ययी भाव। कौन सा समास है? अव्ययी भाव। कमल नयन कौन सा समास है? अव्ययी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आलसी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परिसर्मी। क्या हो जाएगा? परिसर्मी जो है वो आलसी का विलोम शब्द हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रघुवीर सहाय। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रघुवीर सहाय। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए क्या है दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अभी आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने हिंदी के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों इनमें से हो सकता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इनमें से कुछ क्वेश्चंस एज इट इज़ आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बोर्ड टेस्ट में। तो दोस्तों आज हम लोग हिंदी 100 मार्क्स के 1 से लेकर के 60 तक क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम यानी एनुअल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको कुछ प्रश्न यहां से भी आपको अब एनुअल एग्ज़ाम में नज़र आएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। नंबर एक है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोलते क्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहन राकेश रचित नाटक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आषाढ़ का एक दिन जो है ये मोहन राकेश द्वारा रचित एक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पड़गीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, पड़गीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नामवर सिंह जो है वो पड़गीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जूठन ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना की है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेखक मलयज का मूल नाम क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भरत जी श्रीवास्तव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिच कहानी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जादुई यथार्थ। त्रिच कहानी जो है वो जादुई यथार्थ वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण के गांव का क्या नाम था, तो इसका सही आंसर है दोस्तों सिताब दियाड़ा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
नाइन्थ क्वेश्चन है, रघुवीर साय का जन्म कब हुआ था? रघुवीर साय का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में, 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तमाल क्या है? भक्तमाल क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भक्त चरित्रों की माला, भक्त चरित्रों की माला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभादास का स्थाई निवास कहाँ था? नाभादास कहाँ का स्थाई निवास था? नाभादास जो है वो कहाँ का स्थाई निवास था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वृंदावन, वृंदावन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था? तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजापुर बांदा, राजापुर बांदा जो है वो तुलसीदास का जन्म स्थान था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पार्वती मंगल किस कवि की रचना है? पार्वती मंगल किस कवि की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तुलसीदास, तुलसीदास की रचना जो है वो पार्वती मंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूरदास किस शाखा के कवि थे? सूरदास किस शाखा के कवि थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है दोस्तों, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? तो ऑप्शन है, मृदुभाषी, बी विनम्र, सी शांत और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी, मृदुभाषी, विनम्र, शांत, तीनों उसका व्यक्तित्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति एवं वैराग, इन तीनों में उसकी अभिरुचि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम लिखें। जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम लिखें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी, झरना, लहर और आंसू, ये तीनों जो है जयशंकर के काव्य संकलन थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कवि के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध जो है वो जन जन का चेहरा एक इस शीर्षक कविता के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता है, अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रघुवीर साय, रघुवीर साय जो है वो अधिनायक शीर्षक कविता के क्या है, रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जे कृष्णमूर्ति क्या करते थे? जे कृष्णमूर्ति क्या करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बोलते और लिखते थे, बोलते और लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डायरी साहित्य, डायरी साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड़ड़ियों शब्द का अर्थ बताइए, कुड़ड़ियों शब्द का अर्थ बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कूड़ा फेंकने की जगह, कूड़ा फेंकने की जगह को कुड़ड़ियों बोलते हैं, कुड़ड़ियाँ बोलते हैं कूड़ा फेंकने की जगह को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मदन मोहन गुगलानी, मदन मोहन गुगलानी, ये जो है मोहन राकेश के बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धांगर शब्द का अर्थ ओड़ाओ भाषा में क्या है? धांगर शब्द का जो है अर्थ ओड़ाओ भाषा में क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाड़े का मजदूर। धांगर शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर ओड़ाओ भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शयन का संधि विच्छेद होगा, शयन का संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शे प्लस अन बराबर शयन। तो इसका शयन का संधि विच्छेद होगा शे प्लस अन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालय शब्द संज्ञा है, हिमालय शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक और समूहवाचक। तो हिमालय क्योंकि काफी
बहुत ही मशहूर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहम प्लस कार, अहम प्लस कार, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो अहंकार जो रहता है वो मौका काम कर लेता है, यानी कि अहम प्लस क्या हो जाता है कार, अलग अलग उसको जो करते हैं तो अहम बन जाता है प्लस कार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा शब्द का लिंग निर्णय करें, भाषा शब्द कैसी कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्त्रीलिंग। हम लोग बोलते हैं तुम्हारी भाषा सही नहीं है या तुम्हारी भाषा ठीक नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्त्रीलिंग, भाषा जो है शब्द है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रज शब्द का विलोम होगा, अग्रज शब्द का उल्टा क्या होता है, तो अनुज होता है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अग्नि शब्द का पर्यायवाची होगा, अग्नि शब्द का पर्यायवाची होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनिल, अनिल। ठीक है दोस्तों, अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया, अनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार शब्द में पढ़ते हैं, भार शब्द में पढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अ, भार शब्द में जो है अ पढ़ते हैं, पढ़ते बोलते हैं जो लास्ट में जुड़ा हुआ रहता है, जो कि लास्ट में क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, पद में लास्ट में जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका आशय महान हो के लिए शब्द है, जिसका आशय महान हो इसके लिए क्या शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी महाशय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, महाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओज शब्द का विशेषण है, ओज शब्द का विशेषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओजस्वी, ओजस्वी जो है ओज शब्द का विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रति, तो इससे पहले हम लोग पढ़ते देखे तो जो लास्ट में जुड़ता है, और उपसर्ग हो जाता है जो पहले जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि कूल में जुड़ा हुआ है प्रति, तो ये प्रति क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छह प्रकार हैं, सर्वनाम के छह प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तेल शब्द है, तेल शब्द है, तो हम लोग जानते हैं ये कौन सा शब्द है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि तेल द्रव है इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाप मुक्त समास है, पाप मुक्त समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष, पाप मुक्त जो है वो तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भू, भू जो है ये पृथ्वी शब्द का क्या है, पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुदार कौन सा समास है, अनुदार कौन सा समास है, तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास है, अनुदार जो है वो तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है, संगठन शब्द का संधि विच्छेद है, संगठन शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सम प्लस गठन, क्योंकि इससे पहले आपको बताया गया जो अनुस्वार जो होता है वो मौ में चेंज हो जाता है, तो सौ अनुस्वार था तो सौ और मौ में चेंज हो गया, प्लस जो बचा हुआ गठन उसको आगे लिख दिया, तो ये क्या हो गया, संगठन शब्द का संधि विच्छेद, सम प्लस गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निदान शब्द शब्द में उपसर्ग है, निदान शब्द में उपसर्ग है, तो पढ़ते हो गया जो लास्ट में जुड़ता है, और उपसर्ग हो गया जो शुरू में जुड़ता है, तो इसके लिए कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, नी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लड़ाई शब्द में पढ़ते हैं, लड़ाई शब्द में पढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आई, लड़ प्लस आई बराबर क्या हो जाएगा, लड़ाई, यानी कि लास्ट में क्या जुड़ा है, आई, तो वही हो जाएगा पढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेफायदा शब्द कौन सा समास है, बेफायदा शब्द कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय करें, प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्त्रीलिंग, प्रार्थना शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, प्रार्थना शब्द स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घर शब्द का संज्ञा है, घर शब्द का संज्ञा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जातिवाचक संज्ञा, घर कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुता शब्द में पढ़ते हैं, लघुता शब्द में पढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ता, लघु प्लस ता, यानी कि लास्ट में जुड़ा ता, तो यही हो जाएगा क्या, पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लघुता शब्द में पढ़ते कौन है, तो ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता शब्द का विशेषण होगा, पिता शब्द का विशेषण होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पैतृक, ऑप्शन नंबर सी यानी कि पैतृक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण है, इनमें से कौन संख्यावाचक विशेषण है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 20 जो है ये संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि इससे संख्या का पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द, यानी कि जिसके शेखर पर चंद्र हो उसके लिए कौन सा एक शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्र शेखर, ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्र शेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लघु शब्द का विशेषण है, लघु शब्द का विशेषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाघव, लाघव जो है वो लघु शब्द का विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि निर्मम, निर्मम जो है इसका मतलब हो गया इसके हृदय में ममता नहीं है उसी को क्या बोलते हैं, निर्मम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लंबोदर शब्द कौन सा समास है, लंबोदर शब्द कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि बहुब्रीही, बहुब्रीही। और एक चीज जान लीजिए दोस्तों, जो बहुब्रीही समास को समासों का राजा कहा जाता है, समासों का राजा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो लंबोदर जो है वह शब्द बहुब्रीही समास में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोमवार शब्द कौन संज्ञा है, सोमवार शब्द कौन संज्ञा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो स्त्री अभिनय करे का एक शब्द है, जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए कौन सा एक शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अभिनेत्री, अभिनेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोयोग का संधि विच्छेद होगा, मनोयोग का संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मन प्लस योग, मन प्लस योग। ठीक है दोस्तों, तो ओकार इसमें विसर्ग में चेंज हो गया, ठीक है, प्लस योग, मन प्लस योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ है, दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि बहस छिड़ जाना, बहस छिड़ जाना, दांत दिखाना का अर्थ होता है बहस छिड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेन देन कौन सा समास है, लेन देन कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि द्वंद, द्वंद समास है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक ही टाइप का वर्ड है लेन देन, ठीक है, तो ऐसे जितने भी वर्ड्स होते हैं उसको हम लोग द्वंद समास के अंदर ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ है, छठी का दूध याद आना इस मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बुरा हाल होना, बुरा हाल होना, छठी का दूध याद आना इसका सही आंसर हो जाएगा बुरा हाल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाखून शब्द का लिंग निर्णय करें, नाखून शब्द का लिंग निर्णय करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुल्लिंग, यानी कि नाखून शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने हिंदी 100 मार्क्स का 1 से 60 तक का ऑब्जेक्टिव्स किया है, तो दोस्तों ये आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको एनुअल एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।